जय हिंद। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, क्या आपको पता है कि वार विडो या वार बरेव्ड या वार डिसेबल्ड एंड ऐसे सोल्जर जिनकी डिसेबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है या पीस टाइम कैजुअल्टी है, वो यदि अपना घर बनाते हैं या घर खरीदते हैं और उसके ऊपर यदि होम लोन लेते हैं तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड उनको होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक का ग्रांट दिया जाता है। ऐसा साथियों केंद्रीय सैनिक बोर्ड की एक योजना है। यह वेलफेयर रिलेटेड स्कीम सभी तमाम वार विडोज, वार बेवरेड और वार डिसेबल्ड सोल्जर्स तथा ऐसे सोल्जर्स जिनको कोई कैजुअल्टी हुई है पीस टाइम में और वो कैजुअल्टी एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है उनको मिलती है। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। साथियों, यदि ये योजना आपको भी लागू है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपको लागू नहीं है फिर भी आप अपने जान पहचान साथियों को इस योजना के बारे में बता सकते हैं जिनको ये योजना लागू है। आइए साथियों, इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये योजना केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है और इस योजना का नाम है फाइनेंशियल असिस्टेंस एज इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन। इसका हम ब्रीफ बैकग्राउंड देखते हैं साथियों। ये योजना 1991 में स्टार्ट हुई थी और उस समय इस योजना में मैक्सिमम 70,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता था। साथियों, जैसे कि आपने कोई होम लोन लिया है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पर मंथ आपका 5,000 रुपये इंटरेस्ट जाता है, तो उस इंटरेस्ट में से 50% यानी 2,500 वो एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड आपको रिफंड करेगा, या 50% आप पे करोगे इंटरेस्ट और 50% केंद्रीय सैनिक बोर्ड पे करेगा। और जो बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑब्लिक पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग LIC, GIC एंड HUDCO, ये सब स्कीम वाले या ये बैंक्स इस योजना में शामिल है, और इसमें यदि आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया भी है और आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड को अप्लाई करते हो तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड आपका 50% इंटरेस्ट रिफंड कर देगा। और ये स्कीम साथियों, ये इंटरेस्ट है जो मैक्सिमम 5 साल के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड आपको रिफंड करता है। अब देखते हैं साथियों, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो स्कीम है वो आपको आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड के द्वारा जारी की जाती है। द अपर एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 1,00,000 फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट सब्सिडी इवन दो द लोन टेकन मे बी ऑफ ए हायर अमाउंट, यानी आपका यदि लोन ज़्यादा अमाउंट का भी है तो आपको मैक्सिमम 1,00,000 तक का रीइंबर्समेंट इस योजना के तहत मिलेगा। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहेगी। साथियों देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है दिस फैसिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर वार बेवरेज या वार डिसेबल्ड एंड एट्रिब्यूटेबल पीस टाइम कैजुअल्टी ओनली। नेक्स्ट है साथियों, इंटरेस्ट सब्सिडी इज एडमिसिबल अप टू मैक्सिमम लोन ऑफ ₹1,00,000 ओनली इवन दो द लोन टेकन मे बी ऑफ ए हायर अमाउंट। नेक्स्ट है साथियों की सब्सिडी विल बी पेड अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर और द डेट ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट है इसमें कंडीशन कि 50% ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक और गवर्नमेंट ऑब्लिक पब्लिक सेक्टर इंक्लूडिंग LIC, GIC, HUDCO वुड बी रिम्बर्सेबल एज इंटरेस्ट सब्सिडी। और जो फाइनल कंडीशन है उसकी यह है कि द इंटरेस्ट सब्सिडी वुड बी पेबल हाफ ईयरली डायरेक्ट टू द एप्लीकेंट, यानी एक एप्लीकेंट जो सोल्जर है अपना पर मंथ EMI बैंक या जो भी प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जहाँ से लोन लिया है उनको पेमेंट करते रहेंगे, और 6 मंथली केंद्रीय सैनिक बोर्ड उसको 50% लोन अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वापस रिमबर्स कर देगा सोल्जर को। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू भिजवाना है, और इसके साथ में सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड बैंकर और रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन इन गवर्नमेंट ऑब्लिक PSUs इंक्लूडिंग LIC, GIC एंड HUDCO आर एज फॉलोज, यानी ये सर्टिफिकेट्स वहाँ से आपको लेने पड़ेंगे जहाँ से आपने लोन लिया है। देखिए, सबसे पहला सर्टिफिकेट है
that there would be no change in the scheme or risk और शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट। एक सर्टिफिकेट ये लगाना पड़ेगा। दूसरा सर्टिफिकेट है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली पेड फॉर द पीरियड कवर्ड अंडर द क्लेम, यानी सिक्स मंथली आप रिइंबर्समेंट के लिए क्लेम सबमिट करोगे तो सिक्स मंथली आपको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट रीपेमेंट ऑफ लोन अलोंग विथ इंटरेस्ट वाज रेगुलर, यानी आपने बैंक या LIC जहाँ से भी लोन लिया है उसका जो EMI पेमेंट किया है वो आपने रेगुलरली पे किया है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको बैंक या जो PSU या LIC देगा। नेक्स्ट है ए कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड ड्यूली अटेस्टेड, ये साथ में लगाना है। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट है वो है वे कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक ड्यूली अटेस्टेड, आप सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो। ये ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, उसके बाद में ये एप्लीकेशन आपकी केंद्रीय सैनिक बोर्ड में जाएगी और वहाँ पर जो कंसर्न्ड आपका अकाउंट सेक्शन है वो इसके ऊपर चेक बैक करेगा। और साथियों जो भी इसका प्रोसीजर रहेगा वो फाइनली आपका अप्रूव हो जाएगा। जो पेमेंट प्रोसीजर रहेगा वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली NEFT या RTGS आएगा, इसलिए आपको अपने बैंक की डिटेल केंद्रीय सैनिक बोर्ड को सबमिट करवाना है। यहाँ पे साथियों आपको सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा, आप KSB की वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हो। और नेक्स्ट जो फाइनल आपका यहाँ पे स्टेप रहेगा गाइडलाइन ख़त्म होने के बाद, यहाँ आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है दूसरा एक विंडो खुल जाएगा जिसमें आपने सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्मेट को देखते हुए अपनी एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद में अपने जिला सैनिक बोर्ड में जाके इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन वेरीफाई करवाना है। उसके बाद साथियों आपको विद इन टाइम में जो सिक्स मंथली जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, यानी आपको प्रिंसिपल के ऊपर रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट के ऊपर 50% रिइंबर्समेंट मिलेगा और मैक्सिमम आपको 1,00,000 तक। जब भी आपका 1,00,000 हो जाएगा तो उसके बाद आपका ये रिइंबर्समेंट मिलना बंद हो जाएगा। तो साथियों ये एक स्कीम है, इसका फ़ायदा जो भी एप्लीकेबल सोल्जर या वॉर विडोज या वार बेवरेज और वार डिसेबल सोल्जर एंड ऐसे सोल्जर जिनको पीस टाइम कैजुअल्टी हुई है और वो एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है अप्लाई कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं, अच्छी स्कीम है साथियों। ऐसे ही और जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्कीम्स है उनके वीडियोज मैं आगे लेके आने वाला हूँ। तो साथियों आप बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ ताकि आपको मिलती रहे सही जानकारी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक और वेलफेयर रिलेटेड स्कीम के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।